अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे है नहीं है तो वो बोला तो साइड गई तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और मामू की तरफ तो फिर मामू वाला कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रह करेंगी मेरे साथ साथ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तभी स्कूल गए हैं? नहीं। हाँ गया। कितने क्लास पढ़ी है, कितने जुमाते पढ़ी हैं? चार। चार जुमाते पढ़ी हैं। अब उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है। अब 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा? जो चार क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ। उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में हमने सिलेबस भी लगवा दिया। पढ़ाया जाता अक्सर मदारिस में, अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके वाले में नहीं पढ़ा रहे। नहीं। एक लाइन में ऐड करूंगी, वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब आप कुत्ते ही हैं जो भूख आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट तो बुरका भी बना दो वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है, तो ये उनका मेंटल सेटिस्फेक्शन है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई वीडियो बात कर रहे हैं फोर मैरिज सिस्टम और कदन मैरिज की। देखिए, जब मैं भी एक वीडियो दे रहा था, जाकिर हुसैन ने बोला कि श्री रामचंद्र के पिताजी, उन्हें की भी तीन पत्रियां थी, ठीक है, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो भाई हिंदू में भी करते थे, उनका मानना है। देखिए मैं बोलता हूँ मुस्लिम में भी पहले करते थे, और क्यों करते थे ये एक सच्चे मुसलमान को पता होगा, क्योंकि जो बेवा थी, जो हेल्पलेस थी, उनकी शादियां की जाती थी। पाकिस्तानियों की तरह नहीं भाई, बिल्कुल ठीक ठाक मजे में करते हैं बच्चों को तादाद बढ़ाने के लिए। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे, वीडियो देखिए, राय जरूर रखे भाई, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और क्या कर रहे हो भाई, किसी दूसरे के हवाले कर देता है। कजन मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है, अगर कजन का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लें? बड़ी खूबसूरत आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कजन का प्रपोजल आया हुआ? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कजन है ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएं कि कजन मैरिज से करनी नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। क्या भाई की? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। किसान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियां हो जाती हैं इस कजन के साथ, ये तुम्हारा रिश्ता हो गया। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है, आप बड़े हो गए किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े हो गए किसी और को पसंद करेंगे, तो कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं कि कजन मैरिज नहीं होनी चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगी? सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए। हाँ, हमें लेना चाहिए। तो कौंसल ने मर्द को इजाजत दे दिया कि वो पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करें, तो ये कैसा फैसला, क्या ये इजाजत देनी चाहिए थी? हाँ नहीं, इजाजत तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए ना कि बीवियाँ भी दो बंदे रखें, फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना, हम लोग दो बंदे रखें। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लाम का फैसला है, एक अच्छी बात है, अगर किसी जरूरत के तहत अगर मर्द चारों बीवी की जरूरतें पूरी कर सकता है तो ये कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? हम लोग मारेंगे पहले या किस लिए लेके आते हैं जो दूसरे की जरूरत पड़ी? औरत तो औरत ही है, एक भी औरत है दो भी औरतें हैं, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि इनको चाहिए कि इस्लाम में तो है, लेकिन ना उनको चाहिए कि ना ये भी अलाउ कर दें, इस्लाम से ये रिक्वेस्ट है अलाउ कर दें कि बीवियाँ भी दो बंदे रखें, फिर देखेंगे मर्द बर्दाश्त करते हैं कि नहीं। अगर आपके खामन आपकी इजाजत तो है ही नहीं वैसे भी, और अगर आपके खामन दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे?
कर लेना, फिर हम लोग भी दूसरे ढूंढ लेंगे, यही हो सकता है। ये एक सदियों से रीति चली आ रही है अंबर, कि मुस्लिम लड़कियों को जानबूझ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था, जानबूझ करके उनको घर में बिठा कर रखा जाता था। आज जितने भी हमारे दोस्त में, अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी कि जितने भी हमारे एक्वेंटेंस और सोशल में या फ्रेंड्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी भी यही शिकायत है। आप कह रही थी कि वो लोग सही से जवाब नहीं देते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि अजमेर में बलात्कार हुआ था 1992 से लेकर के 2007 तक, वो मैटर राजस्थान हाई कोर्ट में चला था और सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो इसको इसका क्या जवाब होगा इन चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? उनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। चार दरगाह को बदनाम कर रहे हैं अजमेर को, नहीं ये तो हुआ था, ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो इनके जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं? ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना, तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। दूसरी एक चीज और भी बहुत नोट करने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के अभी वोकल वॉइस में नहीं है, मुसलमान लड़कियां वोकल वॉइस में। ऐसा कोई भी मुसलमान लड़का नहीं है जो खड़ा होकर के किसी डिबेट में या किसी भी जगह पर खड़ा होकर के बोलता है कि क्यों कोई भी फतवा या कोई भी मुल्ला मौलवी का खुतबा किसी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में क्यों नहीं होता है, या चार शादियों को बंद करने के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों हिंदुओं से शादी ना करने की बात क्यों नहीं समझाता, ये वो नहीं बोलते हैं। लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को अपने काविंद को मिजाजी खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तंगियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि साफ साफ बताया गया है, देखिए मौलाना चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई तुम अपनी बहन को जानते हो अच्छी तरीके से, तुम्हारी बहन तुमको जानती है, तो अपनी बहन से शादी करो। साइंस चीख चीख कर कहती है, तो मैंने एक स्टार्टिंग में एक क्लिप लगाई थी कि जो मदरसा में पढ़ा था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, देखिए भाई आज इंडिया में नहीं रहा ये सिस्टम, क्योंकि इंडिया एजुकेशन के लेवल पर मुस्लिम भी बहुत आगे जा चुके हैं और अच्छे ओहदों पर आज मुस्लिम भारत के अंदर हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम सिर्फ मदरसे में जाते हैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो भाई भूल ही जाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जो उनके मजहब है उसको पढ़ते हैं। और आज जो हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण आता है, मोस्टली जो देखा जाता है कि भाई जीन्स, यानी कि परिवार में शादी होना। जब तक भाई ये चेंज नहीं होंगे, यानी कि जो हिंदू में गोत्र मिलाए जाते हैं ना, वो इसलिए मिलाए जाते हैं कि भाई गोत्र इसलिए ही बनाए गए थे ताकि भाई वो कहते हैं ना, मैं एक आम भाषा में बोल दूँ, घर कुनबे में शादी ना हो, तो तीन गोत इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई जो आगे बच्चा होगा वो एक हेल्दी बच्चा होगा और इनकी तरह नहीं होगा। और पाकिस्तानी मौलानाओं ने भाई आज ऐसी की तैसी करके रख दिया सब कुछ चीज़ों की, यानी कि जो एजुकेशन एक्चुअल में होती है, देखिए उनको एक तरह से वो खुद को मजहबी देश कहते हैं, दूसरी तरफ काफिरों को गाली देते हैं, दूसरी तरफ काफिरों के पैसों पर अपने देश को चलाते हैं। अगर तुम इतने अच्छे हो पाकिस्तान, तो खुद एग्जाम्पल सेट करो, इतने ऊंचाई पे ले जाओ। मोदी जी कहते थे कि भाई तुम हमसे जंग करो, एजुकेशन की जंग करो, गरीबी खत्म करने की जंग करो, ये छिप छिपा के मत करो। आप लोग क्या रहे कमेंट से, जय जवाहर, जय श्री राम।